साथियों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका पुराना चिरपरिचित साथी, विकलांग साथी ट्रस्ट जनपद सीतापुर का जिला अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा आप सभी साथियों का विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के शामिल होने वाले संगठन में अंतिम सदस्य तक आज आपके अपने चिरपरिचित चैनल दिव्यांगम पर 30,000 से ज़्यादा हमारे व्यूवर्स और साथ ही साथ 1,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से आप सभी नए और पुराने सभी साथियों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, एक जिम्मेदारी दिव्यांगम चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ इस देश की आपदा के समय मैं जब भी आता हूं तो इस जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि देश में जो आजकल कोरोना से संबंधित एक भयावह स्थिति बनी हुई है, उस सब की हकीकत से भी आपको रूबरू कराएं। साथियों, 1.5 महीना पहले स्थिति ज़्यादा ख़राब थी और मुझे अब आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब तक हिंदुस्तान में 33 करोड़ 69 लाख 69 हज़ार से ज़्यादा जांचें हो चुकी हैं और जिसमें कि महज 2 करोड़ 74 लाख 77 हज़ार से ज़्यादा लोग ही कुल मिलाकर के संक्रमित निकले हैं। साथियों, आज जब 2 करोड़ 74 लाख 77 हज़ार कुल लोग संक्रमित हैं 33 करोड़ की जांच करने के बाद, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज उन 2 करोड़ 74 लाख 77 हज़ार लोगों में से 2 करोड़ 47 लाख 75 हज़ार से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ, अपने प्रिय इष्ट मित्रों के साथ अपनी खुशियों को बांट रहे हैं और उनसे खुशियां शेयर कर रहे हैं। साथियों, एक निहायत ही चिंता का विषय है, वो है इस कोरोना काल में हो रही मौतों का। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब तक 3,18,000 से ज़्यादा हमारे देश का उज्ज्वल भविष्य, हमारे देश की एक धरोहर मौत के मुंह में इस कोरोना काल के कारण समा गई। इन 3,11,000 से ज़्यादा हुई मौतों पर विकलांग साथी ट्रस्ट दिव्यांगम चैनल पर अफसोस प्रकट करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथियों, ये एक वो स्थिति है कि जिसका हम सभी लोगों को सामना करना पड़ रहा है और ईश्वर ना करे आगे अगर कोई और भी परेशानी आती है तो हम लोग डट कर उन समस्याओं का सामना भी करेंगे और उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। मगर ये कब संभव है? ये तब संभव है जब हम समय के महत्व को समझें। साथियों, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई हैव नो टाइम। व्हाट डू यू मीन आई हैव नो टाइम? इसका मतलब है आपके पास समय नहीं है। चलिए मान लेते हैं आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास समय नहीं है, आपके कुछ समय बढ़ा दे ईश्वर, जो हम सबका सब करता धरता है, जो बहुत ही लोग अपने को व्यस्त कहते हैं, उन पर एक तथास्तु करके उनके 2 घंटा बढ़ा दे, तो आप क्या करें? सवाल समय का नहीं है, सवाल है कि हम उस समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर जो विषय है वो ये है कि जब कभी भी दिव्यांग व्यक्ति की बात होती है तो उससे कहा जाता है कि अपने समय का प्रयोग करो, कुछ करो, किसी
किशोरावस्था के बच्चे से बात की जाती है उससे कहा जाता है समय का सदुपयोग करो, पढ़ाई करो, कुछ रोजगार के बारे में सोचो। युवा व्यक्ति रोजगार के बारे में सोचता है, कुछ करो, रोजगार और बढ़ाओ और तरक्की करो। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ये तो वो तथाकथित चीज़ें हैं भौतिक सुख की जो हमें मिले या ना मिले। आज हम लोग एक बात एक ये सोचें कि ईश्वर से एक कामना करें, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि किसी के साथ वो कामना सत्य हो जाए। आपसे ये कहा जाए कि आप अपनी जिंदगी में एक गाड़ी खरीद जो आपको अगले 24 घंटे में मिलने वाली है। इस गाड़ी में वो सारी सुविधाएं हों जो आप चाहते हैं, एसी लगा हो, वाईफाई लगा हो, खाने पीने की बढ़िया चीज़ लगी हो, जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए वेज हो, जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज हो, परिवार को साथ ले जाने की व्यवस्था हो, पेट्रोल भराने का खर्चा ना हो, गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा ना हो, सारा काम अलग और लोग कराएं, कंपनी के लोग कराएं, हमसे किसी तरह से कोई मतलब ना हो, और काम भी मेरा समय समय पर होता है। मगर शर्त ये है कि वो गाड़ी आपके जीवन काल की एक इकलौती गाड़ी होगी, उसके बाद आप साइकिल तक नहीं खरीद पाओगे। तो आप क्या करोगे? उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा संभाल के चलाओगे कि कहीं खरोंच ना लग जाए, कहीं सड़क पर कोई गड्ढा आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा तो बहुत आहिस्ता से निकालेंगे कि साकर ना खराब हो जाए, और अगर कहीं कोई बात हो तो आप हमेशा किस बात का प्रयास करेंगे ये गाड़ी मैं ही चलाऊं, वो दूसरा ना है, गाड़ी गलत हाथों में ना पड़े, क्योंकि ये गाड़ी आपको आज आपकी उम्र अगर 30 साल है और औसतन उम्र 80 साल मान लेते हैं तो भी आपको 50 साल तो ये गाड़ी चलानी चाहिए। साथियों एक बात बताइए, इस 50 साल की अवधि की इस गाड़ी का आप इतना देख रेख करते हैं, ये गाड़ी कहीं गलत हाथों में ना चली जाए, तो कभी आपने सोचा है कि आप भी तो किसी की गाड़ी हैं? किसकी? उस ऊपर वाले। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये आप लोहे की बहुत ज़्यादा महंगी होगी, करोड़ दो करोड़ चार करोड़ की गाड़ी होगी, है एक उदाहरण की बात, एक मानसिकता की बात, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की गाड़ी है कि वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो उस गाड़ी में पूरी दुनिया का हाल ले लेगा। अगर वैसी गाड़ी की आप इतनी देख रेख करते हो तो परमपिता परमात्मा ने जो आपको एक जीवन दिया है, आपको एक गाड़ी के रूप में उतारा है, आप इसका सदुपयोग क्या कर रहे हैं? ये सदुपयोग केवल पान खाने, बीड़ी पीने और चौराहे पे खड़े होकर मटर गश्ती करने के लिए नहीं है, इसका भी हमको सदुपयोग करना है, और समाज के निम्नतम स्तर को भी करना चाहिए, ये बात सत्य है। मगर समय के सदुपयोग का जो सबसे बड़ा दायित्व है, वो दायित्व है हमारे एक एक जिम्मेदार अधिकारियों का, एक एक जिम्मेदार नेताओं का, कि उनको अपने समय का सदुपयोग करना है। अब बात आइए, हम आपके करंट अफेयर्स पर इसी चीज़ को जोड़ के बताते हैं आपको कि करंट कैसे, जैसे कि पहली बार कोरोना की लहर सन 2020 में आई, भाई देश का नेतृत्व तो ये कह रहा था उस वक्त कि हम अबोध बालक हैं इस बीमारी के सामने, हमें कुछ नहीं पता, उसने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, आंकड़े गवाह हैं, इतनी तबाही नहीं हुई, इतनी जाने नहीं गई। अब आप दावे के साथ ये बात कहते हैं कि उस समय मेरे पास एक भी पीपीई किट नहीं था, एक भी हमारे पास कोरोना से जुड़ी हुई वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास एक भी ऐसा वेंटिलेटर नहीं था जो कोरोना पेशेंट को हैंडल कर सके। आज आप इस दावे को कहते हैं कि इन सभी व्यवस्थाओं का आपके पास एक ज़खीरा है। फिर आपने अपनी ज़िंदगी के गाड़ी का सदुपयोग
दूसरी लहर में नहीं करा। अगर करा होता, समय पर अगर आपने लॉकडाउन लगाया होता, या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कई कानूनी प्रकरण ऐसे हैं, कई धाराएं ऐसी हैं कि जिनके चलते आप इन 5 राज्यों में चुनाव ना कराते, या हमारे उत्तर प्रदेश में जितने लोग मौत के मुंह में शामिल हो गए पंचायत चुनाव के चक्कर में, ये लोग इतने लोग ना मरते, अगर ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके जिम्मेदारी ये है कि हमने अपने समय का सदुपयोग नहीं करा, हमने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग नहीं करा। हम किस बात का रोना रो, आज हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, आज हमारे पास अस्पताल नहीं। चाहे देश का नेतृत्व हो, चाहे इस देश का मतदाता हो, किसी ने भी अपने समय का सदुपयोग नहीं करा। अगर करा होता तो हम अस्पतालों के लिए वोट डालते, हम बुनियादी सुविधाओं के लिए वोट डालते। हमने तो वोट डाला जात बिरादरी के नाम पर, हमने तो वोट डाला कहाँ मंदिर बनना है, कहाँ मस्जिद बनना है, इस नाम पर। आइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है। आज 27 मई सन 2021 को इस समय रात के लगभग 9:45 बज रहे होंगे, हम लोग इस बात की एक शपथ लें कि अपने समय को, अपने जीवन की गाड़ी को, जीवन की गाड़ी की कीमत को, और अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए उस ईश्वर को ध्यान में रखें और अपने समय का सदुपयोग करें सामाजिक कामों। जो जिम्मेदार नागरिक जहाँ का भी है, चाहे वो विकलांग साथी ट्रस्ट के सदस्य हों, हम लोग हों, मैं स्वयं प्रवीण सिन्हा राष्ट्रीय टीम में भी हूँ, अगर हम दिव्यांगजनों के हित की बात को नहीं रखते हैं सामने, अगर हम उनके बारे में दिल से नहीं सोचते हैं, उसके निराकरण के लिए ग्राउंड जीरो लेवल तक नहीं जाते हैं, तो हम अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि उसके साथ न्याय नहीं हो, उसके साथ तो जो अन्याय हो रहा वो तो समाज की उदासीनता का शिकार है, उसके जिम्मेदार कौन है? हम, हमारे जिले का जिलाधिकारी, हमारे जिले के विधायक, हमारे जिले के सांसद, हमारे जिले से जुड़ा हुआ एक एक मंत्री, हमारे सूबे का मुख्यमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की कानून व्यवस्था अगर इतनी सख्त है तो इतनी लाचारी और बेकारी क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे, आपके कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समस्या के निराकरण के लिए, कि आज हमें मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही, आज हमें नौकरी की सुविधा नहीं मिल रही, आज हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? एक निम्न स्तर का आदमी जो हर समस्या का उपभोक्ता है, या वो सुविधाएं मुहैया कराने वाला एक नियोक्ता? इस जिम्मेदारी में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये मेरा आज आपसे सवाल है, और इस सवाल के साथ ही मैं प्रवीण सिन्हा आपसे विदा लेने से पहले एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस दिव्यांगम चैनल के एपिसोड को आप 1,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद, लगभग 1,750 घंटे होने के बावजूद, इसको अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक लोग इसका वॉच टाइम बढ़ाएं। हमारे जो दिव्यांग साथी हैं ये उनके ही हित की बात करता है, हमारे जो सकलांग साथी हैं हम उनके हित की भी बात करते हैं, हमारे जो कमज़ोर महिला मित्र हैं, महिला साथी हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। इस सबका चैनल है, सब लोग हमको इस
समस्या का समाधान बताइए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। वो उपभोक्ता जिसे सुविधाएं नहीं मिल रही, आपने कहा, सरकार ने कहा कि लॉकडाउन संपूर्ण नहीं लगेगा, फैक्ट्रियां चालू रहेंगी। अब बताइए, किसी भी एक बड़े महानगर में कपड़ा बन रहा है, कपड़ा तो अब सरकार की अनुमति से बन रहा है, फैक्ट्री चालू है, ट्रांसपोर्ट भी चालू है, कपड़े के थान के थान एक रिटेलर के यहाँ, एक फुटकर दुकानदार के यहाँ आ रहे हैं, मगर वो फुटकर दुकानदार दुकान खोल के कपड़ा नहीं बेच सकता, तो लॉकडाउन में उसको इजाज़त नहीं। अब कपड़े की कमी के कारण अगर उपभोक्ता परेशान है तो जिम्मेदार कौन है? उपभोक्ता जो चाह करके भी नहीं खरीद पा रहा, या नियोक्ता जो ना दे पाने की स्थिति में है, या लचर कानूनी व्यवस्था? मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।